लास्ट लेक्चर्स का पहले हम लोग रिविजन करेंगे. व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? यस मैम, अदर नेम्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज वोल्टेक सेल और गैल्वेनिक सेल, बिकॉज वोल्टा द साइंटिस्ट नेम एज वोल्टा और गैल्वेने फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल. डिस्कवर्ड वर्ड क्या होता है? डिस्कवर्ड का मतलब क्या होता है मैम? किसी चीज को डिस्कवरी. देखो वैसे तुमने एक अच्छा वर्ड ये ले लिया है, ये जो मिस्टेक आपने की है अच्छा है ये आपने की, इससे बाकी बच्चे इस गलती से बचेंगे और आप भी. अपन पूछते हैं किसी से डिस्कवर का मतलब क्या होता है, क्या यहाँ डिस्कवर वर्ड आएगा? निखिल बताओ. मैम डिस्कवर्ड मतलब कोई चीज पहले से एनवायरनमेंट में है, उसको उसको देखा गया सबसे पहले डिस्कवर्ड. और बिल्कुल, मैम यहाँ पे इन्वेंटेड आएगा. यहाँ पे इन्वेंटेड आएगा, इन्वेंटेड इन्वेंटेड या फर्स्ट डेवलप्ड, इस तरीके का कोई वर्ड डेवलप्ड आएगा. डिस्कवर तो जैसे क्या मैं कहूँ कि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन शुरू से ही रहते थे. यस मैम, वो तो हमारे ऑब्जर्वेशंस की कमी थी कि डेल्टन ने पहले का एटम इंडिविजिबल है, फिर बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर प्रोटॉन की हुई, तो इन्हें डिस्कवरी कहा जाता है. और दर्शन ध्यान दें, और दर्शन ही क्यों, सब बच्चे ध्यान दें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिजाइन जो बनाई थी, डेवलप जो किया था, वो गैल्वेनी एंड वोल्टा ने किया था. यहाँ पर डेवलप वर्ड आएगा, डिस्कवर वर्ड नहीं आएगा, डिजाइन बनाने का वर्ड आएगा. ठीक है, तो अपने आंसर को करेक्ट करिए, बोलिए. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर ऑल्सो नोन एज वोल्टेक एंड गैल्वेनिक सेल बिकॉज साइंटिस्ट नेम एज वोल्टा और गैल्वेने फर्स्ट दे डेवलप्ड द सेल, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. दे फर्स्ट डेवलप्ड दीज डिवाइसेस. ठीक है ना? यस मैम. डेवलप्ड These devices. इस डिवाइस को सबसे पहले डिजाइन करने वाला, डेवलप करने वाला कौन था? वोल्टा और गैल्वेनी. इसलिए उनके रिस्पेक्ट में इनका नाम है गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस है? निर्धान, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट प्रोड्यूस होता है बाय रिडॉक्स रिएक्शन, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पासेज ऑफ करंट कॉजेज रिडॉक्स रिएक्शन. पासेज ऑफ करंट कॉजेज रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो निर्धान? यस मैम कर रहा हूं. बिल्कुल करते रहिए, आपको बिल्कुल ऐसे के ऐसे सेंटेंसेस रटे हुए रहेंगे, चाहे आप जनवरी में पहुंच जाना फरवरी में, आप नहीं भूलोगे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज वन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आल्सो टेल अबाउट इट्स इनोट सेल. वन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. हर्ष मैम, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डेनियल सेल, इन विच एनोड इज जिंक एंड कैथोड इज कॉपर, एंड द इनोड ऑफ जिंक इज -0.76 वोल्ट, एंड इनोड ऑफ कॉपर इज +0.34 वोल्ट, व्हिच लीड्स टू इनोड सेल इक्वल्स टू मतलब मैम आरपी में बोथ e naught of cathode minus e naught of anode, and which e naught comes out to be positive 1.1 volt. 1.1 volt. सब लोग याद कर ले, डेनियल सेल का e naught सेल कितना होता है? 1.1 volt. डेनियल सेल का e naught सेल 1.1 volt. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से. What is the formula to calculate maximum work done by electrochemical cell?
formula for maximum work done by electrochemical cell? Arya. Ma'am, maximum work done is equal to decrease in energy or change in energy. Gibbs free energy. And Gibbs free energy change equals to? Gibbs free energy change equals to minus NF E naught cell. And E naught cell equals to? E naught cathode minus E naught anode when both are in RP. Or N equals to? N equals to the number of electrons which get cancelled out. And F? F is Faraday's constant. Value? 96500 कूलम पर मोल. कूलम पर मोल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. ठीक है, इसके बाद आप मुझे बताइए कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है और आपको ई नॉट सेल निकालने को दिया जाता है, तो क्या ये कंपलसरी है कि ई नॉट सेल पॉजिटिव ही आना चाहिए? क्या उसको पॉजिटिव लगाने में आप लगे रहेंगे कि मुझे तो प्लस लाना है भले कुछ भी हो जाए, या यहाँ पर आपने कुछ कंसेप्चुअली सीखा? लीन बताइए. मैम, ई नॉट सेल जरूरी नहीं है, लाइक अगर हम बनाते हैं सो इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग सही बनाएंगे. एंड टीचर में कंफ्यूज अस बाय गिविंग ऑपोजिट सेल, या तो वर्डिंग के थ्रू या फिर सेल नोटेशन के थ्रू वो एनोड और कैथोड रिप्लेस करके हमें गलत सेल दे सकते हैं, और उसमें हमारा आंसर नेगेटिव ही आएगा, उसमें पॉजिटिव आंसर गलत हो जाएगा. बिल्कुल सही. अगर आपके हाथ में छोड़ा जाए, अब जैसे आपको मैंने बता दिया कि डेनियल सेल में जिंक एनोड है और कॉपर कैथोड, तो आपने सही रखा ना, अभी हर्ष ने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो कैथोड पर आपने प्लस 0.34 रखा, फिर माइनस एनोड पर आपने माइनस 0.76 रखा, आपने सही रखा ना. लेकिन अगर सामने वाला आपको सेल बना के दे दे, तो उसके पास दोनों ऑप्शन है, वो सही सेल भी दे सकता है और गलत सेल भी दे सकता है. सही सेल देगा तो ऑब्वियस है ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा, और गलत सेल भी दी जाती है उसमें ई नॉट सेल आपका नेगेटिव आ सकता है. ठीक है, तो वर्क डन में कभी माइनस साइन मत लगाना. आपका ये पेंडिंग था क्वेश्चन, अगर डेल जी आ रहा है आपका -10 तो वर्क डन हो जाएगा 10, है ना. वर्क डन इज डिक्रीज इन एनर्जी, तो ये पेंडिंग था, मैंने आपको डैश डैश करके जगह छुड़वाई थी, वहां पर फिल कर लेना. अगर गिब्स फ्री एनर्जी में -10 डिक्रीज आ रहा है तो वर्क डन 10 होगा, क्योंकि 10 वर्क उसने किया तभी तो 10 एनर्जी उसकी खर्च हो गई, तो वर्क डन इक्वल्स टू डिक्रीज इन एनर्जी. ठीक है, अभी आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो पिछले 5 लेक्चर्स में से तो आप पूछ लीजिए. 5 क्लासेस जो हमने करी हैं उसमें आपको कोई भी थ्योरेटिकली डाउट हो तो पूछ लीजिए. हाँ अमनदीप. अमनदीप अनम्यूट कर लो. कॉन्सेंट्रेशन, जैसे एनोड और कैथोड पे जो आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, अगर उन कॉन्सेंट्रेशन को अपन चेंज करें तो क्या एनोड सेल पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, ये सारे टॉपिक आप हमेशा वो टॉपिक पूछते हो जो आगे आएगा. अभी अभी ये नहीं पढ़ाया, ये नर्स्ट इक्वेशन में आएगा, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन पोटेंशियल. कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से पोटेंशियल में बिल्कुल फर्क आएगा, और इस फर्क को एक्सप्लेन करेगी नर्स्ट इक्वेशन. तो जैसे उस दिन वाला आपका क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ये टॉपिक भी मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, और ये वाला कि कॉन्सेंट्रेशन को बदलने से पोटेंशियल बदलेगा क्या. तो अपन ने जो डेटा याद किया है वो किस समय का याद किया है, जब 1m कॉन्सेंट्रेशन है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 1 बार प्रेशर है. आप सब जानते हैं जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन है तब के स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको मैंने याद कराए. तो जब मैंने ये कह दिया कि 1m कॉन्सेंट्रेशन है तब जिंक का आरपी -0.76 है, तो पक्का है कि जब आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बदलोगे तो उसका पर्टिकुलर का जो पोटेंशियल है वो बदलेगा. अब पर्टिकुलर का पोटेंशियल बदलेगा तो ई नॉट सेल बदलेगा नहीं बदलेगा, वो आप खुद सोचिए. ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. अब कैथोड का भी बदल रहा है और एनोड का भी बदल रहा है, तो जब दोनों बदल रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस भी तो बदलेगा, तो पक्का है ई नॉट सेल भी बदलेगा.
और एक समय ऐसा आ जाता है जब इनोड सेल जीरो हो जाता है और उसी समय सेल काम करना बंद कर देती है। ये सब अभी पेंडिंग है, अभी लेती हूँ मैं, धीरे धीरे करके ले रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। ठीक है, जो पढ़ावा है उसमें से कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, अब मैं फिर आज स्टार्ट करती हूँ। चलिए, सब लोग डैनियल सेल वापस से बनाइए। डैनियल सेल का एग्जाम्पल लेके कॉपी में बनाइए वापस से डैनियल सेल। ड्रॉ कर लीजिए, सब लोग को आता है ड्रॉ करना। डैनियल सेल, जिंक कॉपर सेल, जिंक रॉट, डिप्ड इन जिंक आयंस, एनोड बनाइए राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में कैथोड बनाइए, कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर 2+ आयंस। दोनों को वायर और वोल्टमीटर से कनेक्ट करिए और दोनों सॉल्यूशन में इन्वर्टेड यू ट्यूब डालिए जिसे सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। आज इसका फंक्शनिंग सिखा रही हूं कि ये वर्क कैसे करती है। फंक्शनिंग आपको ईएमएफ एक वर्ड सिखाना था, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में एक वर्ड अपना पेंडिंग चल रहा है ईएमएफ, ई नॉट सेल। आपको याद है ई नॉट सेल के मैंने दो नाम लिखवाए थे, कौन बताएगा? ई नॉट सेल के मैंने दो नाम आपको क्या क्या लिखवाए थे बताइए, बोलो। फर्स्ट मैम स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल और एक मैम स्टैंडर्ड ईएमएफ। बिल्कुल सही, हाँ ठीक है, दोनों नाम सही है। उसमें से ये वाला तो आपको आता है, देखो नॉट को पढ़ोगे स्टैंडर्ड, सेल वर्ड लिखा हुआ उसको सेल लिख दिया और ई को पढ़ लिया आपने पोटेंशियल, तो एक नाम तो आपका ये बन गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नाम जो सिखाया था वो बताया था सेल ईएमएफ, है ना, सेल ईएमएफ, और नॉट का चाहे तो आप स्टैंडर्ड लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ। तो ये ईएमएफ क्या है ये मुझे आपको सिखाना है, पिछले लेक्चर्स में इसका मीनिंग आपका पेंडिंग चल रहा है तो सीखते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहले जिंक एनोड है तो जिंक पर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ। ऑक्सीडेशन स्टार्ट कैसे हुआ? जिंक माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स ZN 2+। सबने सीख लिया था ये काम कैसे होता है, जिंक की रॉड से जिंक के एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और आयंस बन के सोल्यूशन में आते जा रहे हैं।
अलग कलर ले लो, जिंक की रॉड से जिंक के एटम्स को आयंस बना के सोल्यूशन में लाते जाओ, ये देखो जिंक के आयन सोल्यूशन में आते जा रहे, रॉड पर सारे क्या इकट्ठे हो गए तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, तो जिंक की रॉड पर जो सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए ये सारे वायर के थ्रू मूव करके कहां पहुंचने वाले हैं, कैथोड की तरफ, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके आ रहे हैं क्योंकि आपने इनको वायर प्रोवाइड कर दिया है, मेटलिक वायर है तो वायर के थ्रू ये मूव करके सारे आ रहे हैं। तो ये दिखा दीजिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव चल रहा कर रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां पहुंच चुके हैं और ये कैथोड है और कैथोड में आपको क्या कराना है, रिडक्शन, कॉपर है आपका कैथोड और कैथोड पर कराना है आपको रिडक्शन। नाउ रिडक्शन का मीनिंग याद करिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ का जो कॉपर आयन है वो रॉड पर जाकर स्ट्राइक करेगा और रॉड पर आए हुए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये वाले अलग है। यहाँ पर आयन सोल्यूशन में आ रहे हैं, यहाँ पर आयन रॉड पर जाकर स्ट्राइक कर रहे हैं और रॉड पर यहां से आए हुए इलेक्ट्रॉन उनको गेन कर देंगे। तो बताइए क्या काम हुआ कैथोड पर, कि कॉपर 2+ आयंस जो सॉल्यूशन में थे वो रॉड पर गए, रॉड से उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर में बदल गए। जैसा कि हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन अगर ये है तो पक्का है कि करंट की डायरेक्शन ये है, इसलिए इधर वाला एरो बना के यहां लिख दो, ये करंट की डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन जो रहती है वो करंट की रहती है, ये करंट, और ये वाली डायरेक्शन जो चल रही है वो इलेक्ट्रॉन्स की चल रही है। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो हमने सब पहले भी पढ़ा था, हम नया पॉइंट क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले नेट रिएक्शन बना लो, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, जिंक प्लस कॉपर 2+ गिव्स जिंक 2+ कॉपर, ये आपकी नेट रिएक्शन आ चुकी है, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ सकता है, आप देखिए ट्राई करिए वो क्या क्वेश्चन है, मैं वापस से बोल देती हूँ, जिंक की रॉड पर ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ इकट्ठे हो गए और आयन सोल्यूशन में आते जा रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन मूव करके कैथोड पर पहुंचते हैं और कैथोड पर जो कॉपर आयन है वो रॉड पर जाकर स्ट्राइक करता है, दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और कॉपर बना लेता है, ये प्रोसेस यहाँ चल रहा है। अब एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है जो आपकी तरफ से आ सकता है, देखते हैं आप पूछ पाते हैं क्या, क्लीन बोलो मैम, जो जिंक के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से उनका क्या हुआ, जिंक के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सॉरी आयन, एक्स्ट्रा का मतलब कौन से मैम, जो रॉड से सोल्यूशन में गए, जिंक के जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस हुए वो सारे रॉड पर इकट्ठे होते हैं और रॉड से मूव करके यहाँ से यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पहुंच के कॉपर 2+ से गेन होते हैं और कॉपर 2+ कॉपर में बदलता जाता है। मैम जिंक के एक्स्ट्रा आयंस जो जितने भी है, देखो बिफोर तुम क्या लेकर चली हो, सपोज तुम ZnSO4 लेके चली हो तो ZnSO4 में जितने जिंक आयन थे उतने ही सल्फेट आयन थे, मतलब तुम्हारा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो गया, न्यूट्रल था ना, न्यूट्रल जितने जिंक आयन थे उतने ही सल्फेट आयन थे, मतलब तुम्हारा सॉल्यूशन न्यूट्रल था। अब समय के साथ यहाँ पर जिंक आयन आते जा रहे और जिंक आयन आते जा रहे तो यही इकट्ठे होते जाएंगे और ये वाला पूरा कंपार्टमेंट पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा उन आयंस का, ठीक है। अब तुम चाहो तो इससे आगे एक और क्वेश्चन पूछ सकती हो कि मैम अगर पूरा कंपार्टमेंट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो क्या ये सारा काम आराम से हो पाएगा। अब यहां से शुरू हो जाएगी सॉल्ट ब्रिज की नींव, जब स्टूडेंट का ध्यान इस प्रॉब्लम पर आएगा कि जिंक आयन सारे यहाँ इकट्ठे होते जा रहे हैं, सल्फेट तो उतने के उतने और जिंक आयन नहीं आते जा रहे, तो जिंक आयन के आने से न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होने से अब जो प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली हैं उन सबका सॉल्यूशन ही है सॉल्ट ब्रिज। अब तुमने पूछ ही लिया है तो अपन ले लेते हैं,
जिंक वाले कंपार्टमेंट में मुझे बताइए क्या पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करता जा रहा है। अब बताइए जब पॉजिटिव आयंस यहाँ इतने सारे हैं तो बताइए पॉजिटिव माइनस को जाने देगा क्या, बल्कि पॉजिटिव का तो माइनस के लिए अट्रैक्शन होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जाना ही बंद कर देंगे क्योंकि प्लस है तो प्लस तो माइनस को अट्रैक्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बहुत अच्छा अट्रैक्शन फील करेंगे, ये यहाँ मूव करके क्यों जाएंगे। क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे जैसे समय के साथ ऑक्सीडेशन होता जा रहा है इस कंपार्टमेंट में जिंक आयंस बढ़ते जा रहे हैं, जिंक आयन के बढ़ने से यहाँ पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है और पॉजिटिव वाला माइनस को खुद अट्रैक्ट करके रखेगा तो इलेक्ट्रॉन का जाना मुश्किल होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का जाना ही मुश्किल होगा तो करंट कैसे मिलेगी। और बताइए ये तो नया पॉइंट है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा सॉल्ट ब्रिज। जैसे रफली अभी बता देती हूँ कि सॉल्ट ब्रिज में तुमने केसीएल भर रखा है तो केसीएल में से क्लोराइड आयन निकल निकल के यहाँ आएंगे, केसीएल में से क्लोराइड आयन निकल के यहाँ आएंगे और जिंक आयन उन क्लोराइड आयन से जुड़ के ZnCl2 बना के न्यूट्रलाइज होता जाएगा ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सके। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज वाली हेडिंग लूंगी तब ये वाला पूरा पार्ट आपको लिखवा दूंगी। अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने जो आपको कहा कि जिंक से जिंक आयन बने को यहाँ आ गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो गए, फिर ये मूव करके यहाँ गए, यहाँ पर कॉपर 2 प्लस ने स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन लिया और कॉपर में बदलता गया। इस प्रोसेस में अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो बोलिए। इस प्रोसेस के दौरान अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन बनता है क्या, बोलो अमनदीप। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एनोड से कैथोड क्यों जा रहा है? क्योंकि एनोड पर ज्यादा है और कोई भी चीज जहाँ ज्यादा होती है वहां से कम की तरफ जाती है ना। कोई भी चीज का फ्लो कहाँ से कहाँ चलता है, जहां वो ज्यादा है वहां से कम की तरफ, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, और एक बार एक और पूछ लेते हैं, किसी को और आ रहा हो क्या क्वेश्चन है बताइए। मैम Zn वाले सॉल्यूशन के अंदर Zn से मतलब आयन निकल रहे हैं तो क्या Zn एंड तक छोटी होती रहेगी फिर खत्म हो जाएगी? Zn से सॉल्यूशन में आयन आ रहे हैं Zn के, Zn छोटी होती रहेगी। हाँ ठीक है बिल्कुल, जिंक रॉड आपकी बिल्कुल कम होती रहेगी, उसकी थिकनेस घटती रहेगी, कॉपर रॉड की बढ़ती रहेगी। अब चलिए मैं बताती हूँ आपको, सुनिए। क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कैसे हो जाता है। ये तो समझ आता है कि यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और लॉस हुए भी इलेक्ट्रॉन यहाँ सारे इकट्ठे हो गए, यहाँ तक तो क्लियर है। पर क्वेश्चन उठता है ये इलेक्ट्रॉन अपने आप यहाँ से यहाँ मूव करके कैसे चले जाते हैं, और फिर यहाँ से यहाँ जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूव करना ही करंट है। पर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करके चले गए एनोड से कैथोड की तरफ। अब सुनिए बच्चों, इस वर्ड का समय आ गया है ईएमएफ। ईएमएफ को खोलिए, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, तीनों वर्ड्स को देखिए। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन को मोटिव मूव कराने वाला फोर्स जो पीछे काम करता है वो क्या है, क्यों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां अपने आप मूव करके जाता है, व्हाई इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड स्पॉन्टेनियसली इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऐसा यहां पर क्या है, व्हाट इज ईएमएफ, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या चीज है जो इलेक्ट्रॉन को मूव करा रही है। तो हम सब जानते हैं ईनोड सेल क्या है, ईनोड कैथोड माइनस ईनोड एनोड। अमनदीप ने जो पूछा वो भी आ जाएगा पार्शली अभी। E-naught cell equals to E-naught cathode minus E-naught anode, और E-naught cell ही क्या है, EMF। E-naught cell ही क्या है, cell EMF। कोई बताएगा इसको words क्या दे सकती हूँ, E-naught cathode minus E-naught anode के word बता दो, word term क्या बोल सकती हूँ, बोलो word चाहिए। हाँ potential difference, पोटेंशियल डिफरेंस। चेक कर लीजिए बच्चों, ईनोड सेल का दूसरा नाम है सेल ईएमएफ, और ये दोनों पोटेंशियल को माइनस कर रहे हो, मतलब ये चीज क्या है तुम्हारी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज सेल ईएमएफ,
व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला फोर्स होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस। जब तक दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में डिफरेंस रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन को फोर्स मिलेगा, और जिस समय दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा ये फ्लो होना बंद हो जाएगा, सेल काम करना बंद कर देगी। क्या हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं? मूवमेंट हमेशा हाई से लो की तरफ चलता है और सब जानते हैं तब तक चलता है जब तक डिफरेंस होता है। आई थिंक ये कॉमन पॉइंट है, आप इसे कहीं भी काम में ले सकते हैं, चाहे आप ऑस्मोसिस की बात करें। ऑस्मोसिस अभी 12th में डिटेल में आएगा। आपको मालूम है कोई भी चीज जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाती है, और कब तक जाती है? जब तक डिफरेंस रहता है, और जब बराबर हो जाता है तो वो मूवमेंट बंद हो जाता है। हमें मालूम है करंट के केस में वो चीज क्या होती है? पोटेंशियल। तो जब तक एनोड और कैथोड के पोटेंशियल में डिफरेंस रहेगा तो वो डिफरेंस ही क्या है ईएमएफ, वो डिफरेंस ही क्या है इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला फोर्स, तब तक इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा। और जिस समय ये दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, मतलब डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ये देखिए इसका पोटेंशियल 10 है तो इसका भी 10 हो गया, मतलब पोटेंशियल बराबर हो गए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, मतलब ईएमएफ जीरो हो गया, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जीरो हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए फोर्स नहीं मिल रहा है, वो मूव नहीं करेगा और सेल काम करना बंद कर देगी। तो जब सेल ईएमएफ जीरो हो जाता है देन सेल स्टॉप्स वर्किंग। जैसे कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि मैम ये रॉड पतली होती जाती है, तो आपको लग रहा होगा ये पतली होते होते खत्म हो जाती है, फिर क्या होगा? मैं कहूंगी उस समय की नौबत ही नहीं आएगी, उसके पहले ये सब कुछ हो चुका होगा। ये मैं सोचो कि एक समय ऐसा आएगा जब मेरी जिंक रॉड तो गल चुकी होगी, पूरी खत्म हो चुकी होगी, वहां तक आप पहुंचोगे ही नहीं, उसके पहले ही इन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो चुका होगा, और पोटेंशियल बराबर होते ही सेल डेड हो चुकी होगी। सेल स्टॉप वर्किंग का मतलब सेल डेड है, होता है ना, हम कहते हैं ना बैटरी खत्म हो गई है, डेड हो गई है, अब फैक दो और नहीं खरीद कर लाओ, होता है घड़ी हमारी चलते चलते बंद हो जाती है, मतलब सेल खत्म हो गए, है ना। तो ये वही समय होता है जब पोटेंशियल दोनों के क्या हो जाते हैं इक्वल, तो सेल काम करना बंद कर देती है। तो क्वेश्चन आपके पास, आपने डेनियल सेल बनाया, आपको लग रहा है कि अब इसके ऊपर हम हेडिंग क्या डालें, है ना। तो डेनियल सेल आपने ड्रॉ किया, उसके ऊपर आप ऐसे हेडिंग बनाइए, बाय इलेक्ट्रॉन spontaneously move from anode to cathode, ये heading बनाइए। समझ आया? उसके ऊपर एक लाइन तो होगी ना आपके पास, जहां आपने ड्रॉ किया था वहां ये हेडिंग बनाइए। और इसको हमने किस एग्जाम्पल से सीखा? डेनियल सेल के एग्जाम्पल से सीखा। नोट्स बनाने बच्चों आपको क्लास के साथ साथ, कल जो बच्चे आए थे उनके मैंने सबके रजिस्टर्स देखे, आप लोग थोड़ा सा रफ फॉर्म में लिख रहे हैं, रफली नहीं लिखिए, ये आपके बिल्कुल सिस्टमेटिक नीट एंड क्लीन दो तीन कलर्स के पेन लेकर अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपको साथ में, इसको रफली मत लिखिए, और रफ लिखकर फेयर करने की क्या जरूरत है, क्लास में साथ साथ ही बनाइए। आपका रह जाता है तो आप हाथ खड़ा कर दिया करो कि मैम अभी हमारा बाकी है। हेडिंग डालिए, बाय इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियसली मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इसके बाद आपने डेनियल सेल बना रखी है। आई थिंक डेनियल सेल में सारी चीजें बनाना आपको आ गई है। इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करिए, जिंक आयंस को सॉल्यूशन में भेजिए, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराइए, यहाँ पर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखिए, इधर फ्लो ऑफ करंट लिखिए, कॉपर आयन को स्ट्राइक कराइए रॉड पर, सॉल्ट ब्रिज डालिए, ठीक है, इतना कर लिया। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्यों जाता है, तो लिखिए, आया सबको समझ में इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करता है? इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के पीछे फोर्स काम करता है, और वो फोर्स होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा बताइए, हर दुनिया के हर सिस्टम के पीछे जो फोर्स होता है वो डिफरेंस ही होता है। अब जैसे आपने नीट का एग्जाम दे दिया, आपके नंबर 400 आए, आपको लाने 650 या 700, तो डिफरेंस ही तो है, आपके कितने मार्क्स आए और आपको कितना लाना है, वो डिफरेंस ही तो मोटिवेशन का काम कर रहा है, वो ही तो फोर्स का काम कर रहा है कि आपको वहां तक जाना है। बोलिए कोई भी ले लीजिए, आप प्लेयर हैं, आपके इतने बनते हैं, आपका टारगेट है नहीं मुझे तो इतने रन तक जाना है, इतने विकेट तक, तो वो डिफरेंस ही तो मोटिवेशन का काम कर रहा है।
तो हर जगह पर फोर्स एक डिफरेंस ही तो होता है, कोई ना कोई डिफरेंस होता है डेटा का, कहीं मार्क्स का, कहीं रन्स का, कहीं पोटेंशियल का, कहीं कॉन्सेंट्रेशन का। जैसे पानी जहाँ ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाता है, तो वहां कंसेंट्रेशन का फर्क है। अगर मैं इस रूम में परफ्यूम छिड़क दू, तो जहां मैंने परफ्यूम छिड़का वहां परफ्यूम ज्यादा है, तो बाकी रूम में कम है, तो वो वहां से वहां डिफ्यूज होगा। तो मूवमेंट का कारण हमेशा डिफरेंस ही होता है बच्चों, ये ध्यान रखिए। और करंट के केस में आप जानते हो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, सही है। तो और एक काम और करिए, यहाँ लेफ्ट में एनोड लिखिए, इस पे माइनस पोलैरिटी दिखाइए, इधर कैथोड लिखिए, यहाँ पर प्लस पोलैरिटी। मतलब इतना तो तुम्हें ड्रॉ करना ही है व्हेनेवर यू हैव टू ड्रॉ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ड्रॉ कर दिया, अब क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव क्यों कर रहा है। नीचे लिखिए इनोड सेल, हमें आता था, हमें फॉर्मूला पहले से आता था, पर पहले हमें न्यूमेरिकल पर्पस से आता था, आज हमने उसे कंसेप्चुअल बदल लिया। बोलो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने इनोड सेल का नया नाम लिख दिया, इनोड सेल का नया नाम लिख दिया सेल ईएमएफ। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्ड मेरे पकड़ में आ गया, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला फोर्स। और वहां मैंने इनोड कैथोड और एनोड को माइनस की जगह माइनस का वर्ड लिख दिया डिफरेंस, और ई का वर्ड लिख दिया पोटेंशियल। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही फोर्स होता है, अपने आप आ गया सामने। और पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि मैंने कैथोड में से एनोड का क्यों घटाया, क्योंकि मुझे इनोड सेल प्लस चाहिए, इसलिए मैंने कैथोड के आरपी में से एनोड का घटाया। फिर मुझे इनोड सेल प्लस क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे डेल जी नॉट नेगेटिव चाहिए। तो ये पूरी चेन आपकी बन चुकी है। तो लिखिए इनोड सेल प्लस टू इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड, इसी को वर्ड्स दे रहे हैं बस। अब इनोड सेल का दूसरा नाम लिखिए सेल ईएमएफ स्टैंडर्ड, नॉट लगाना, स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ क्या है, इज इक्वल टू क्या वर्ड लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस। स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। ईएमएफ के सारे वर्ड्स खोलिए, ई को खोलिए इलेक्ट्रो, एम को खोलिए मोटिव, एफ को खोलिए फोर्स। ई को खोलिए इलेक्ट्रो, एम को खोलिए मोटिव, एफ को खोलिए फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो लिखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन from anode to cathode is potential difference। दोनों के potential का difference ही इलेक्ट्रॉन के मूव होने का कारण है, is due to potential difference। एक लाइन छोड़ के when E naught, अभी लिखना मत, मैं पूछूंगी कैथोड becomes equal to E naught anode, E naught cell becomes zero, EMF becomes zero and no flow of electron, लिखना मत अभी, and cell stops working। कौन बताएगा कि मैम इसमें आपने ये गलती की है, ये सही होगी। मुश्किल से कोई समझ पाए वैसे। जब कैथोड और एनोड का आरपी बराबर हो जाएगा, तो जब आरपी बराबर हो जाएगा तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा, मतलब ई नॉट सेल जीरो हो जाएगा, ईएमएफ जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए फोर्स नहीं मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, मतलब सेल काम करना बंद कर देगी। इसमें क्या क्या गलतियां मैंने की हैं, उन गलतियों को पकड़िए, कौन बताएगा। या आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है, क्या गलतियां हैं इसमें, आयुष बताओ।
आयुष आयुष अनम्यूट करो। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था मैं अगर नाम लूंगी तो आपको अनम्यूट करना है। एक मिनट अमनदीप आप रहने दो, नम्रता से पूछते हैं पहले। नम्रता बताओ। मैम इसके अंदर आपने इनोट कैथोड इक्वल्स टू इनोट एनोड लिखा है, तो मैम इसमें जो है ना मैम फॉर्मूला होता है इनोट कैथोड माइनस इनोट एनोड, तो मैम अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मैम वो माइनस माइनस प्लस होके ये मतलब जीरो नहीं आएगा ना? कैसे? चलो डेनियल सेल का एग्जांपल लें। यस मैम बोलो कॉपर का कितना है? मैम कॉपर प्लस 0.34 और जिंक का माइनस 0.76 इससे 1.1 आता है। yes, कैथोड और एनोड का इक्वल हो गया, मतलब जो कैथोड का आरपी है वही एनोड का आरपी है, मैग्नीट्यूड और साइन दोनों में बराबर, तो जीरो नहीं आएगा। यस मैम मेरे को लगा वो साइन भी साथ में बराबर। नहीं नहीं एनोड और कैथोड का आरपी इक्वल होने का मतलब उसका प्लस वन है तो उसका भी प्लस वन, उसका माइनस टू है तो उसका भी माइनस टू। अब तुम करके देख लो जीरो आएगा नहीं आएगा। यस मैम है ना, तो ये तो नहीं था। और देखिए लीन बताइए। मैम मे बी कि जब रिएक्शन हो जाएगा तब उनके कंसंट्रेशन सेम नहीं रहेंगे या फिर टेम्परेचर में कोई डिफरेंस आएगा कि वो ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल नहीं रह जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रही हो। इसका मतलब कौन बराबर होते हैं बाद में? कैथोड और एनोड के पोटेंशियल्स बराबर होते हैं पर टेम्परेचर और मतलब सेल स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। चलो ठीक है और सोचो फटाफट मुझे बताओ और सोचिए कि मैंने यहाँ पर क्या गलती की है। क्या कभी इनोड कैथोड और इनोड एनोड बराबर हो सकते हैं? क्या इनोड 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 को पकड़ो, कॉपर का मैंने घटाया है प्लस 0.34, जिंक का मैंने घटाया है माइनस 0.76, क्या कभी स्टैंडर्ड पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे दो चीजों के? थोड़ा सा हिंट अभी इधर से आया है कि जब ये सेल लूज हुई तो जिंक आयंस आए हैं, तो जिंक आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बने कहां रही बच्चों? याद करो स्टैंडर्ड वैल्यू उस समय तक की थी जब तक ये मोलैरिटी बने थी, अब लगातार जिंक आयन सॉल्यूशन में आते जा रहे हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन और वैलेंस कहां रही? ये कॉन्सेंट्रेशन बदल चुकी है, यहां से कॉपर आयन रॉड पर जाते जा रहे हैं, मतलब यहां से कॉपर आयन भी कम हो चुके हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैलेंस नहीं रही है। पकड़ो जल्दी से पॉइंट को, क्या पॉइंट है? गरिमा मैम स्टैंडर्ड की जगह सिर्फ ई लिखेंगे हम। हां बहुत बढ़िया, ई नॉट कैथोड और एनोड बराबर नहीं होता, ई कैथोड और ई एनोड। बोलो स्टैंडर्ड कब तक है? मैम जब तक उनकी कंसंट्रेशन 1m है एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर। ठीक है और कंसंट्रेशन 1m कब तक है? मैम बिफोर रिएक्शन। बहुत बढ़िया एक्सीलेंट, जब तक करंट फ्लो होना स्टार्ट नहीं हुई है, जब तक सर्किट ऑन नहीं हुआ है तब तक ये 1m है। एज सून एज आपने सर्किट ऑन किया करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई वैसे ही आपकी रिएक्शन चालू, जिंक आयन बढ़ चुके हैं, कॉन्सेंट्रेशन बदल चुकी है, नाउ इट इज नॉट ई नॉट आरपी, नाउ इट बिकम्स ई आरपी। सबसे ज्यादा होने वाली जो गलती है उसको पकड़ लीजिए, मैंने इसीलिए पहले खुद गलत लिखकर आपको दिया है ताकि आप इस गलती से बचे। नीट जेई में चार ऑप्शन में यही लिखा हुआ आता है व्हेन सेल्फ स्टॉप्स वर्किंग, तो दे राइट ई नॉट कैथोड बिकम्स इक्वल टू ई नॉट एनोड। अब आपको ये तो याद रहता है कि पोटेंशियल बराबर होते हैं पर स्टैंडर्ड को कैसे बराबर कर दोगे? स्टैंडर्ड तो आइडियल वैल्यू है ना बच्चों, आइडियल वैल्यू को कैसे बदल दोगे? तो बोलो ई कैथोड ई एनोड बराबर हो जाएंगे गरिमा। फिर मैम ई नॉट सेल जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो जीरो नहीं हो सकता। हाँ कौन जीरो होगा? ई सेल। हाँ जब ये बिना स्टैंडर्ड के तो ये भी बिना स्टैंडर्ड का, मतलब
बहुत बढ़िया, जब ई सेल जीरो हो गया तो ईएमएफ जीरो हो गया। अब ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है या ईएमएफ है? ईएमएफ, इसीलिए लगातार मैं नॉट के लिए स्टैंडर्ड वर्ड को यूज कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, जिन जिन बच्चों ने हाथ खड़ा किया था सबने शायद पॉइंट ले लिया था, समझ लिया था। देखो बच्चों ध्यान देना, एक वर्ड को ना पढ़ने से तुम्हारा पूरा गलत हो जाएगा। अगर ई नॉट सेल है तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड है, और अगर ई सेल है तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। ध्यान रखो, अगर तुम्हारा डेल्जी मोड है तो यहाँ भी माइनस एन एफ ई नॉट है, और अगर ये डेल्जी कर रहे हो तो ये भी माइनस एन एफ ई सेल। ये स्टैंडर्ड तो ये स्टैंडर्ड, ये बिना स्टैंडर्ड, बिना स्टैंडर्ड, ये बिना स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड तो ये भी स्टैंडर्ड, और ये बिना स्टैंडर्ड तो ये भी बिना स्टैंडर्ड। ठीक है क्षितिजा, हाथ खड़ा करो क्षितिजा, है क्लास में? क्षितिजा हाथ खड़ा करो बेटा, चलो कोई भी कर लीजिए, जो एक स्टूडेंट आंसर देना चाहे इन्हीं के नाम पूछूंगी बस। ये जो चार फॉर्मूले है ना इन्हीं के, और कुछ नया नहीं पूछूंगी, इन्हीं चार के नाम पूछूंगी। हाथ खड़ा करिए कोई भी, आयुष पहले क्यों नहीं किया था? Yes, I'm sorry, ma'am. वो टैब रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था, टच को, वो हैंग हो गया था उस टाइम। चलो अब मुझे ये बताओ ई नॉट सेल का नाम? मैम स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल? यस, हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सेल बोलना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस चैप्टर में मैम, क्योंकि इसमें कैथोड भी है, एनोड भी है। बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड्स के भी पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है या सेल का, ये डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा। तो इसका देखो सब यही लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ते हो मैम? स्टैंडर्ड। फिर इसका नाम सेल, और इनका नाम पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इसी का एक और नाम क्या है? मैम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। हां, क्योंकि ई सेल भी तो आएगा, ईएमएफ है, तो इसका नाम दूसरा क्या है? स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ। यस मैम। इन दोनों के नाम मैम, इसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड। और इस फॉर्मूले में वो पोटेंशियल कौन से, ओपी या आरपी? मैम इसमें आरपी आएगा। अब ई सेल का नाम बोलो। मैम ये बस पोटेंशियल ऑफ द सेल है मैम, ये वाला। यस ऑन सेल पोटेंशियल। दूसरा नाम मैम? दूसरा बस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। सेल ही है। यस मैम। सेल लिखकर पोटेंशियल, सेल लिखकर ईएमएफ, और ये क्या हो गया? इसका वर्ड पढ़ो मैम, कैथोड पोटेंशियल और एनोड पोटेंशियल। किस समय का पोटेंशियल है ये, जब इलेक्ट्रोड क्या नहीं रहे? मैम जब इलेक्ट्रोड माइनस में नहीं रहे और प्लस में रहे। नहीं, स्टैंडर्ड नहीं रहे। अच्छा मैम, मैं स्टैंडर्ड नहीं। क्या क्या बदल सकता है? या तो मैम, या तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन बदल सकती है और टेम्परेचर बदल सकता है, और या तो अपन अगर गैसेस से अगर अपन कर रहे हैं तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब सेकंड, नम्रता डेल्जी नॉट का नाम बोलो। मैम स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। हां, ई नॉट सेल का नाम बोलो। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। डेल्जी का नाम बोलो। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। बहुत बढ़िया, तो जब भी न्यूमेरिकल करोगे तो पढ़ना कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी मांगी है, गिब्स फ्री एनर्जी मांगी है, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्जी है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्जी नोड है, और ई सेल का नाम सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सबको अच्छे से क्लियर है कि ई नॉट कैथोड ई नॉट एनोड कैसे बराबर हो सकते हैं। वो तो आइडियल वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। जैसे ही आपका सेल का वर्किंग चालू हो चुका है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुकी है 1m से, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन घट चुकी है 1m से, ये दोनों इलेक्ट्रोड अब स्टैंडर्ड नहीं रहे, तो इनके पोटेंशियल ई नॉट की जगह ई बन चुके हैं। मतलब जैसे ही सेल ने काम करना चालू किया,
कैथोड का पोटेंशियल और एनोड का पोटेंशियल स्टैंडर्ड से बदल चुका है, और स्टैंडर्ड से बदलते बदलते जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ई सेल जीरो होगा। बच्चों ई नॉट सेल कभी जीरो नहीं हो सकता, ई नॉट सेल तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, आइडियल वैल्यू है, और ई सेल जीरो तो ईएमएफ जीरो, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं, सेल स्टॉप्स। समझ आया, सेल स्टॉप्स वर्किंग और यू कैन से सेल डेड हो चुकी है। समझ गए, सेल अब काम में नहीं आ सकती है। अब फिर इसमें आगे पढ़ाऊंगी कि अगर ये रिचार्जेबल है तो दोबारा चार्ज करके यूज हो जाएगी, और नॉन रिचार्जेबल है तो फिर ये फाइनली थ्रो करनी पड़ेगी, ये दोबारा काम में नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले आप ये लिख लें। अब ये लिखते ही आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा बताइए, हाथ खड़ा करिए, कि मैम ने ई कैथोड इक्वल्स टू ई एनोड लिख दिया। अब आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा बताइए, एक स्टोरी की तरह इसे लीजिए। सेल फिजिबल है, फिजिबल है तो डेल जी माइनस होना चाहिए, डेल जी माइनस के लिए ई नॉट सेल प्लस होना चाहिए, ई नॉट सेल प्लस के लिए कैथोड में से एनोड का आरपी घटना चाहिए, फिर ये एक समय पर आकर बराबर हो जाते हैं तो सेल काम करना बंद कर देगा। इस लिखे हुए में आपका क्या डाउट है, कोई डाउट, या लिख लोगे बस खत्म? लिखिए देन ई कैथोड इक्वल्स टू ई एनोड। अब इसके वर्ड्स लिखिए, या तो तुम ये लिखो पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स बिकम्स इक्वल, या तो तुम ये लिखो पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स बिकम्स इक्वल, कौन बताएगा? या फिर क्या लिख सकते हैं बोलिए, या फिर क्या लिख सकते हैं, और बोलो अक्षा, जिसको भी अनम्यूट किया मैंने बोलिए। हाँ, पोटेंशियल दोनों के बराबर होने की जगह पर मैं दूसरा वर्ड क्या बोल सकती हूँ, बोलो अक्षांश। मैम कैथोड की पोटेंशियल एनोड की पोटेंशियल इक्वल हो गई। हाँ, एक तो इक्वल आ सकता है, और एक फॉर्मूले के हिसाब से जो लगातार वर्ड हम काम में लेते हैं, डिफरेंस जीरो हो गया। यस मैम, क्योंकि ई के फॉर्मूले में डिफरेंस ही तो आता है ना, तो या तो लिख दो कि दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इक्वल हो गया, या फिर तुम लिख दो और पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स जीरो। दो तरह से बात करना, या तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल कर दो या डिफरेंस खत्म कर दो। पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड बिकम्स इक्वल और पोटेंशियल डिफरेंस बिकम जीरो, तो ई सेल जीरो हो गया, ईएमएफ जीरो हो गया, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेल स्टॉप्स। ठीक है, कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछते जाना। एक वर्ड को गलत पढ़ने से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पूछा या गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पूछा या सेल पोटेंशियल, ध्यान रखना दोनों अलग अलग है। अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और सेल पोटेंशियल है तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, देखिए किसी के आए दिमाग में। आयुष, वो डाउट था तो ना, मैं तो डाउट के लिए वेट कर रही हूँ, कोई बताए। मैम ये जो की पोटेंशियल डिफरेंस होता है खत्म तुमने हेडिंग डाली थी why electrons spontaneously move from anode to cathode, पर तुमने ड्रॉ किया है, फिर मैंने पहले एक थ्योरी लिखवाई थी, फिर सेकंड उसके नीचे तुमने ये थ्योरी लिखवाई है, है ना? अब नीचे तुम्हें लिखना है how e cathode becomes equal to e anode। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये हुआ कैसे, कैथोड और एनोड के पोटेंशियल बराबर कैसे हुए। जो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नए हैं या जिनको भी मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर भेजे और उन्हें समझ नहीं आया है, तो अभी क्लास है उन सबकी, है ना, 345 दिया है तो 350 तक आप मान लो। तो आप में से भी कोई ऐसा है जिसको मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर भेजे हैं और उनको उससे नहीं समझ आया है, तो आप 350 तक पहुंच जाओ। अभी मैं छोड़ दूंगी क्लास आपकी, 40 पे छोड़ दूंगी। ठीक
ठीक है ना, 40 तक छोड़ दूंगी, 10 मिनट का समय मिलेगा। कोई है जिसको आना है इलेक्ट्रो के फर्स्ट सेकंड लेक्चर को समझने के लिए, तो वो हाथ खड़ा कर लो, तो मैं वेट कर लूँ। वैसे तो जहां तक मुझे दिख रहा है सब बच्चे राइट फ्रॉम द बिगनिंग वाले ही हैं, शुरू से आने वाले, लेकिन जैसे तनुश्री है उसको मैंने रिकॉर्डेड भेजे हैं, दीपिका को भेजे हैं, तो अगर आपको डाउट हो तो आप बता दें। हाँ ठीक है, आना है आपको तनुश्री ऑफलाइन, ठीक है 10 मिनट में आप पहुंच सकते हो तो मैं तब शुरू कर दूँ, और बल्कि 35 पे छोड़ दूंगी, समय पे आप पहुंच जाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन आया आपका कि ई कैथोड और ई एनोड बराबर कैसे हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट ऐड करिए, देखिए ईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, कंसेप्ट लिखिए ईपी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। कोई इसको यूज में लेके बता सकता है मुझे कि इनके पोटेंशियल बराबर होने वाले हैं? EP is directly proportional to concentration of ion. देखिए ये anode था, anode का potential था -0.76 volt. वो cathode था, उसका potential था +0.34 volt. अब बताइए जैसे जैसे यहां पर oxidation हुआ, क्या आप देख पा रहे हैं ions की concentration बढ़ी है? As I write, EP is directly proportional to concentration of ions. हाँ ठीक है, करिए, दो तीन बच्चों ने हाथ खड़ा किया है। EP is directly proportional to concentration of ions. बोलो दिव्यांश। मैम फिर concentration of ions बढ़ेंगी anode की तरफ, तो मैम वहाँ पे electrode potential बढ़ेगा, तो माइनस से जीरो तक आ जाएगा। ठीक है, जीरो को जो भी मान लेते हैं अपन, तो माइनस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, थोड़ी दो तीन वैल्यूज बता दो, -0.76 से -0.1, एक दो तीन ले लो, -0.32 फिर -0.21 माइनस में कम होता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और जीरो तक पहुंचा। इधर बताइए मैम, इधर कंसंट्रेशन मैम कम होती जा रही है, क्यों कम होती जा रही है? मैम क्योंकि वो कैथोड में मैम सारे कंसंट्रेट हो रहे हैं मैम वहां जाकर, क्योंकि कॉपर आयंस कॉपर बनके यहाँ जमा होते जा रहे हैं, तो मैं देख पा रही हूँ कि कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, और कंसंट्रेशन कम होगी तो ईपी कम होगा, तो +0.34 से घटाओ +0.21 +0.1 बताइए, एक जगह मुलाकात होगी नहीं होगी दोनों? यस मैम, क्योंकि एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है। सही है, हालांकि जीरो अपन ने मीडिएटर गलत चुना है, क्योंकि ये तो देखो इसका तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इसका कम था, लेकिन ठीक है अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब ये आपका बढ़ता जा रहा है, ये आपका घटता जा रहा है, तो एक जगह मिलना ही है इनको, और जिस समय इनकी पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे सेल काम करना बंद कर देंगी। तो क्या मैं कहूँ कि अगर आपको सेल से ज्यादा काम कराना है, आप बताइए, चलिए अगर आपको सेल को ज्यादा लंबे समय तक यूज करना है तो कैसे इलेक्ट्रोड्स को लेकर सेल बनाना चाहिए? सोचिए कैसे इलेक्ट्रोड्स को लेकर सेल बनाना चाहिए, क्योंकि ये तो पक्का है कि जब पोटेंशियल बराबर होंगे तब वो काम करना बंद कर देगी, तो क्या हम सोच पा रहे हैं कि हमें कैसे इलेक्ट्रोड्स को लेकर सेल बनानी चाहिए जिसकी लाइफ लॉन्ग हमें मिल सकती है? आर्या मैम, उन दोनों में ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, और सिंपल है, यूनिवर्स का रूल है डिफरेंस जितना बड़ा होता है काम उतना ही ज्यादा और अच्छा होता है, सही है ना, जितना डिफरेंस ज्यादा होता है उतनी मेहनत ज्यादा करनी है, सिंपल सी बात है। तो जितना आप दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस ज्यादा लोगे, इसका 1 है और इसका 4 है तो 3 का डिफरेंस है, इसका 1 है इसका 2 है तो 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस जल्दी कवर होगा, 3 का डिफरेंस लेट कवर होगा। तो अगर आपको 4 सेल दे दी जाए और आपसे पूछा जाए किस सेल की हाईएस्ट लाइफ है और सबके इनोट दे दिए जाए, तो जिन दो में इनोट का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो वो लॉन्गेस्ट लाइफ वाली सेल आपकी फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आंसर आया है, बाकी डिटेल में नेक्स्ट इक्वेशन में आ जाएगा। लिखिए हाउ ई कैथोड बिकम्स इक्वल टू ई एनोड, तो लिखिए ईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। अब पहला पैराग्राफ बनाइए, एट एनोड एनोड
और कैथोड एट एनोड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीजेस एट एनोड concentration of ions increases so EP increases EP increases number 2 at cathode ye to clear hai na sabko kam kaise ho rahi hai copper ion copper banta ja raha hai yahan par zinc atom zinc ion banta ja raha hai at cathode concentration of ions decreases concentration of ions decreases so EP decreases so EP decreases ek line chhod ke after some time ek line chhod ke after some time when EP becomes equal After some time, when EP becomes equal, cell stops working. When EP becomes equal, cell stops working. Cell काम करना बंद कर देगी. ठीक है? ये सबको आ गया. अब इसका आप ग्राफ भी बना सकते हो. हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, पर अपन बना लेते हैं. ग्राफ बनेगा. यहां पर लिखिए ईपी और यहां पर लिखिए टाइम ईपी और टाइम ठीक है यहां पर पोटेंशियल ले लो जीरो यहां ले लो नेगेटिव यहां ले लो पॉजिटिव क्योंकि आपको मालूम है जिंक वाले का माइनस में है कॉपर वाले का प्लस में तो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं अब मैं बना रही हूं आप बताना कौन सा किसका है बताइए कौन सा वाला ग्राफ किसका है देख के बताइए ईपी वर्सेस टाइम मैंने लिखा हुआ है ठीक है यश मैम कैथोड का तो ऊपर से नीचे जो आ रहा है वो वाला है कैथोड का ऊपर से नीचे वाला तो यहाँ पर मैं डेनियल सेल के लिए बना देती हूँ कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर रिडक्शन चल रहा है आयंस घटते जा रहे हैं तो ईपी घटता जा रहा है घटता जा रहा है घटता जा रहा है बढ़ने वाला यस मैम वो एनोड का है बढ़ने वाला एनोड का है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है डेनियल सेल ले लेती हूं जिंक -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जेडन 2+ क्योंकि यहां पर आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है तो ईपी बढ़ता जा रहा है तो एक का घट रहा है एक का बढ़ रहा है तो एक समय ऐसा आएगा जब दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे तो क्या मैं कहूं कि यहां पर सेल ने बनी थी और इतने समय तक सेल ने काम किया है मतलब यहां पर सेल डेड हो चुकी है अब इतनी देर वो वर्किंग में रही है इतनी देर तक उसने हमें करंट फ्लो करके प्रोड्यूस करके दी ठीक है एनोड का पोटेंशियल बढ़ाओ समय के साथ कैथोड का पोटेंशियल घटाओ फिर जब वो बराबर हो जाते हैं तब उस समय पर सेल वर्क करना बंद कर देती है ठीक है ग्राफ बना लीजिए अभी आप ये नहीं देखना आपको ग्राफ बनाऊंगा आपने ग्राफ बनाया बच्चों यहाँ पर आप एक काम करें यहाँ पर आप लोग 3/4 पेज छोड़े अभी नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ाने के बाद एक टॉपिक यहाँ ही लिखना चाहिए हमें नोट्स में लेकिन नेक्स्ट इक्वेशन के बाद वो समझ आएगा तो मैं तभी लूंगी है ना तो एक काम करो ये ग्राफ तुमने बना दिया
ये पूरा समझा दिया अपन ने सेल कब काम करना बंद कर दिया। अभी यहाँ मैं एडिंग तो करवा देती हूँ और फिर थ्री फोर्थ पेज अभी छोड़ो न सीखने के बाद अपन इधर लौट कर आएंगे। एडिंग डाल देना रिलेशन बिटवीन के एंड ई सेल, रिलेशन बिटवीन के एंड ई सेल। इसके लिए नस्ट इक्वेशन की जरूरत होगी तो नस्ट सीख कर आके हम यहाँ आएंगे। थ्री फोर्थ पेज प्लीज अपना छोड़ दें ताकि नोट्स कंटिन्यूटी में रहेंगे। रिपोर्ट पेज छोड़ दो, ले भी सकती हूँ लेकिन मजा नहीं आएगा अभी नस्ट के बिना। ठीक है, रिपोर्ट पेज छोड़ दिया। अब ये फटाफट लिख लो, इनके सबके नाम लिख लो, मतलब तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए कि इनोट सेल अलग है, ई सेल अलग है। अब जब भी न्यूमेरिकल करो अवेयर रहना कि स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ मांगा या सेल ईएमएफ मांगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज मांगा या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज मांगा। ठीक है, नोट कर लो। वन टू इनका कॉम्बी बनाना और वन टू इनका कॉम्बी बनाना। कॉम्बी क्यों बना दूं समझ रहे हो ना, अगर ई नॉट सेल है तो डेल जी नॉट होगा, ई सेल है तो डेल जी होगा। ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड है तो ई नॉट सेल होगा, और ई कैथोड और ई एनोड होगा तो ई सेल होगा। ठीक है गरिमा बोलो बेटा। मैम ऐसी कंडीशन पॉसिबल है क्या कि एनोड की अगर आरपी पॉजिटिव में और वो इंक्रीज हो एंड कैथोड की नेगेटिव में डिक्रीज हो तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस टाइम के साथ और ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, वापस से अपनी वैल्यू बोलो, क्लास देखेगी इसका आंसर। तो एनोड मैम पॉजिटिव में वैल्यू मान लो कुछ मैम 0.5 प्लस में 0.5, कैथोड का मैम नेगेटिव में 0.5। बताइए ये वैल्यूज अज्यूम किए गरिमा ने और शी इज आस्किंग कि अगर ये डेटा होगा तो फिर मैम मेरा तो डिफरेंस बढ़ेगा, मतलब मेरा जीरो आने का ऑप्शन खत्म है तो क्या होगा, तो कोई बता दे। ये वैल्यूज अज्यूम किए, वैल्यूज अज्यूम में ही आंसर है, वैल्यूज अज्यूम किए उन्हीं को पकड़ सकते हैं आप तुरंत की क्या गलती हुई है इसमें। विशाखा मैम पहले तो मैम ये आरपी की वैल्यूज ही है ना। हाँ बिल्कुल मैम, तो ये सेल ही फीजेबल नहीं है क्योंकि मैम इसमें जो आरपी की जो वैल्यू है कैथोड की मैम वो कम है और एनोड की ज्यादा है, तो मैम ये सेल ही इनकरेक्ट है, तो मैम ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही, तो हमें ये भी तो ध्यान रखना है कि हमेशा कैथोड का आरपी ही ज्यादा होगा और हमेशा एनोड का आरपी ही कम होगा। अब बताओ क्या कैथोड का आरपी ज्यादा और एनोड का आरपी कम, अब बताओ समय के साथ क्या होगा। अच्छा म्यूट कर लिया गरिमा, आप तुम हाथ खड़ा करो वापस। पॉइंट आया समझ में? यस मैम। अब बताओ कहां पर क्या होना फिक्स है? मैम कैथोड पे आरपी ज्यादा, कैथोड पर रिडक्शन ही होगा ये फिक्स है। यस मैम। और रिडक्शन में कंसंट्रेशन कम होगी ये फिक्स है। यस मैम। तो ये आरपी घटेगा ये फिक्स हो गया, और एनोड पर हमेशा क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो आयंस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। यस मैम। और आयंस बढ़ेंगे तो आरपी बढ़ेगा, तो पक्का है कि ये ज्यादा से कम आएगा, ये कम से ज्यादा, तो एक जगह मीटिंग होगी। ठीक है चलो, तो ये वाला डाउट भी आपका क्लियर हो गया। ये रिलेशन लेकर आपने ये जगह छोड़ दी, अब ये दोनों पेयर फॉर्म में लिख लेना। स्टैंडर्ड ईएमएफ है तो दोनों स्टैंडर्ड, बिना स्टैंडर्ड है तो दोनों बिना स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है तो ई नॉट भी स्टैंडर्ड, ये बिना स्टैंडर्ड है तो ये भी बिना स्टैंडर्ड। क्योंकि जो तुम न्यूमेरिकल आगे करने वाले हो उनमें तुम्हारे ई नॉट सेल भी साथ चलेगा और ई सेल भी साथ चलेगा, ई सेल नस से निकालना सिखाऊंगी, तो ई नॉट सेल से डेल जी नॉट आएगा और ई सेल से डेल जी आएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, ई नॉट कैथोड और ई कैथोड में क्या फर्क है, मतलब किस समय के ये केसेस है, किस सिचुएशन के ये केसेस है वो बताइए। ई नॉट कैथोड और ई कैथोड, अदिति मैम ई नॉट कैथोड तो जब स्टैंडर्ड सेल के, स्टैंडर्ड सेल की जो सिचुएशंस होंगी जैसे कि वन बार प्रेशर
और वन मोलर कॉन्सेंट्रेशन तो तभी ई नॉट कैथोड की सिचुएशन पॉसिबल है. बट ई सेल ईएम या फिर ईएमएफ जो है वो हर एक सिचुएशन के लिए पॉसिबल है एक्सेप्ट स्टैंडर्ड. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. एक्सेप्ट स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड नहीं है तो हर पोटेंशियल ई कैथोड और ई एनोड है, और एग्जैक्टली स्टैंडर्ड है तो ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड. ठीक है हर्षिता. हर्षिता पूछ लो क्या डाउट है. अब लिखो तुम लोग. मैम ये E नॉट वैल्यू तब बोल सकते हैं क्या जब मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ और E जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया उसकी. बिल्कुल सही है. E नॉट सेल के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास टेबल्स हैं उनमें मुझे सबके स्टैंडर्ड वैल्यूज गिवन है, वहां से उठा लाओ वैल्यू और कॉपी पेन में माइनस करके निकाल. और E के लिए तो वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये तो फंक्शनिंग के समय का है. बहुत बढ़िया पॉइंट है ये. E नॉट की वैल्यू हमारे पास टेबल में सबकी अवेलेबल है तो टेबल उठाओ, टेबल से वैल्यू लाओ, घटा के निकाल लो. और ये निकालना है तो वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि तभी तो ये डेटा है. ठीक है अब एक और टॉपिक कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस इन डेनियल सेल देन इन वर्किंग. जब डेनियल सेल वर्किंग में होती है तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन होती है और आप इसको जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ले लेना है ना. मैं किसके थ्रू सिखा रही हूँ, डेनियल सेल के. और जो डेनियल में जिंक का होगा वो हर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड का होगा, और जो डेनियल सेल में कॉपर का होगा वो हर कैथोड का होगा. अगर आप कहें तो मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिख दूँ, ध्यान रखना जो डेनियल के वही सबके. अब आप लोग बताते जाए काफी सारे चीजें हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेंगे. ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, ये बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, कलर में ये देखने को मिल रहा है, करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये सारा. दीज आर ऑब्जर्वेशंस. ठीक है जो हमें इसके लिए लिखनी है. सब लोग देखिए और बताइए क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आपको लग रहा है कि यहाँ पर है. और बच्चों सब लोग आंसर दीजिए, सब लोग दीजिए. जैसे नए स्टूडेंट्स में लीन दे रही है, ठीक है, और ये दर्शन दे रहा है. बाकी बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग दीजिए, फिर क्या वही आदत हो जाएगी जो आप शुरू में ले लोगे. जैसे अक्षत राठी बेटा आंसर दो, आप भी. अक्षिता वर्मा आप भी आंसर दीजिए. भौमिक आंसर दीजिए, फिर वही आदत हो जाएगी. जीविता दीपिका बेटा आंसर दीजिए सब लोग. तो नया तन्मय माथो बताओ बेटा. करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड. बहुत बढ़िया. करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड और मैम इतनी. ठीक है कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, दिया करो. और बात करते हैं, अक्षत बोलो बेटा. मैम जिंक स्ट्रिप इज गेटिंग थिनर एंड कॉपर इज गेटिंग थिकर. थिकनेस ऑफ एनोड दैट इज जिंक डिक्रीजेस, थिकनेस ऑफ कैथोड दैट इज कॉपर इंक्रीजेस. और कोई? चलिए ठीक है, आपने रॉड्स के रिस्पेक्ट में बता दी. और दिव्यांश. मैम कंसंट्रेशन ऑफ आयन सॉल्यूशन प्रेजेंट ऑन एनोड साइड इज इंक्रीजिंग एंड मैम दूसरी तरफ उल्टा. कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक सॉल्यूशन डिक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन का आ गया, करंट का आ गया, थिकनेस का आ गया, कंसंट्रेशन. ठीक है और देखिए और क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है पकड़ में. आयुष. मैम जो कि वोल्टमीटर है उसका
उसका जो कि रीडिंग्स है वो हाई जा रही है, मतलब क्या कहते हैं, मतलब रीडिंग्स आ रही है कुछ जीरो से हटकर कुछ आ रही है, मतलब रीडिंग जो आ रही है वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी और एंड में डिफ्लेक्शन आपका जीरो हो जाएगा, है ना? यस मैम, यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि एंड में जब पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे तो सेल काम करना बंद कर देंगे. ठीक है, ठीक है. देखिए वोल्ट मीटर रीडिंग कंटिन्यूअसली चेंजिंग, क्योंकि लगातार रिएक्शन होती जा रही है, हर मोमेंट पर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बदलती जा रही है, हर मोमेंट पर पोटेंशियल बदलता जा रहा है, तो हर मोमेंट पर वोल्ट मीटर की रीडिंग बदल. बच्चों आपको मालूम है वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग आती है? ई सेल. वोल्ट मीटर की रीडिंग इज ई सेल. इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो रीडिंग वोल्ट मीटर में आती है, क्योंकि जितना डिफरेंस है उतना ही करंट का फ्लो होगा. ठीक है, और देखिए ऑब्जर्वेशन. बच्चों ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, और कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो कॉपर सल्फेट के कारण नहीं, कॉपर टू प्लस एक्वस की वजह से होता है. कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर कॉपर टू प्लस एक्वस की वजह से होता है, और जैसे जैसे रिएक्शन होती जा रही है कॉपर टू प्लस एक्वस कॉपर बन के जमा होता जा रहा है, मतलब कॉपर टू प्लस एक्वस घटता जा रहा है, तो ब्लू कलर फेड होता जाएगा, उसकी इंटेंसिटी घटती जाएगी. तो इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिक्रीजेस बिकॉज concentration of CO2 plus aqueous decreases. और color के लिए responsible CO2 plus aqueous ही था. Intensity of blue color of copper sulfate decreases because concentration of copper 2 plus aqueous decreases. Bracket में responsible for color. Responsible for color. और लास्ट एट नंबर पर लिख दीजिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी बोथ सॉल्यूशन रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. लास्ट इतना सब कुछ हो रहा है, अब आपको लगेगा कि जिंक आयन आते जा रहे हैं, यहां से कॉपर आयन जाते जा रहे हैं, फिर भी दोनों न्यूट्रल है. इस काम को करेगा सॉल्ट ब्रिज, तो कल हम सॉल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस करेंगे कि सॉल्ट ब्रिज ऐसा क्या करता है कि न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता. Both the solution remains electrically neutral. Bracket में लिख दीजिए due to salt bridge. और यहीं से salt bridge का role चालू हो जाएगा. तो कल अपन salt bridge ही ले लेंगे. Heading डाल दो salt bridge. तो ये सारे observation होते हैं. ये question बन के आ जाता है. Graph को समझ लें. Blue color का कारण copper 2 plus aqueous ions होते हैं. Formula का ध्यान रखें. Standard से standard है. Non-standard से non-standard. ठीक है? अब कल हम लेंगे salt bridge. यहाँ तक कोई भी डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए.